अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रेजुएट टीचर ज़िला परिषद उर्दू गर्ज स्कूल और मेरे साथ में जो है यहाँ के असदा इकराम और स्टाफ के लोग मौजूद हैं। कल के रोज़ ममुराबाद से कुछ आगे एक स्कूल का टीवी जो बच्चों के डिजिटल क्लासेस के लिए हमने परचेज किए, तो 3 जो हमारी कार के ज़रिए आए और 2 जो है इमरजेंसी में हमको मारुति कार के ऊपर रखना पड़ा, और उसमें से एक टीवी जो है वो आधे रास्ते में गिर पड़ती है और गिरने के बाद कुछ लोग वहाँ जमा होते हैं, 3-4 लोग, और वो दावा बतलाते हैं कि ये टीवी हमारी, हम इससे जो है मालक है, लेकिन मसीहा बनकर एक अविनाश साड़ूंगे करके उस जगह पे पहुँचते हैं जो एक अड़ावत की सरजमीन से तशरीफ रखते हैं। वो ईमानदारी का सबूत देते हैं और वो टीवी लेकर वो कहते ना तुम्हारी ना मेरी ना किसी की, और वो सीधा जो है MIDC पुलिस स्टेशन में वो टीवी को जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है PSI साहब पूछते हैं रीज़न क्या थी, टीवी आपने ऊपर क्यों रखी, क्या नीचे रख नहीं सकते थे, ऐसे के सवाल किए, और इसमें कसूरवार हम तो नहीं रहे क्योंकि हम लोग अंदर बैठे थे, कसूरवार इसमें जो रहे वो रहा ड्राइवर, और ड्राइवर को जवाब देना पड़ा। और जो है मुझे फख्र महसूस होता है कैसे अड़ावत के सरजमीन पर ऐसे जहले नौजवान जो जान पर खेल कर ईमानदारी का सबूत देकर वो जो है अपने गाँव का नहीं बल्कि राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे वालिदैन को जिन्होंने जन्म दिया। कहते हैं कि माता तू जनियो गुणवान नाई तू जनियो धनवान, माँ तो ऐसे बच्चों को जन्म दे जिसमें गुण हो, ऐसे बच्चों को जन्म मत दे कि जो धनवान हो। तो ऐसे जो है हर एक के लिए ये एक इंस्पायर्ड है, एक प्रेरणा है कि ईमानदारी हमारे देश में आज भी मौजूद हो, और अगर हम देंगे तो आने वाले हमारे जो जनरेशन जो है वो ईमानदारी को लेकर ही चलेंगे। इन जनमत के साथ मैं जो है हमारे स्टाफ के मुख्तार सर, जावेद सर, अनिस सर, हमारे सदर मुदर्रिस रशीद सर बिलखसूस जिन्होंने हम तक के जो वो कागजात पहुँचाए और बिल पहुँचाए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि डिस्टर्ब के माहौल में उन्होंने पूरा हमको सहकार्य करें। और साथ ही साथ मैं न्यूज़ एनी टाइम को भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे कहने पर यहाँ आते हैं, और मेरी मैं दुआगो है कि उनका जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो ना सिर्फ भारत देश बल्कि आगे भी बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। ये कह के मैं अपने चंद कलमात को यहाँ खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।